सो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इस समय हम लोग जा रहे हैं कानपुर घूमने के लिए। हाँ, मैं और हमारा फ्रेंड, हम लोग स्टेशन पे हैं। ये रहा हम लोग का प्रयागराज जंक्शन स्टेशन, और ये रहे हम दोनों। तो अभी ये लौंडा शर्मा रहा है, पीछे आ रहा है, ये शर्मा रहा है कि हमें ब्लॉग में मतलब। तो अभी हम इसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, पर ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ओए देखो, इधर देखो, इधर देखो। शर्मा कहाँ रहे हो बे? इधर देखो, इधर। एक बार चेहरा दिखा दो। अरे सबको दिखा। तो लौंडा शर्मा बहुत ज़्यादा रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम कोई लड़की को देखने आता है या लड़के को देखने आता है तो शर्माता है, उस तरह से ये शर्मा रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए, चेहरा नीचे किया हुआ है। हम लोग अपना ट्रेन छोड़ दिया है। सीटेट वाला है? सीटेट का जो भी हो। अच्छा, तो उसका मतलब कई लड़कों को भेज। हम लोग की डेस्टिनेशन पहुँच गई है सीमांचल एक्सप्रेस। बैठियो बैठियो, भीड़ बहुत ज्यादा है भाई। बैठो है चाचा, हम लोग को लगता है बैठ कर नहीं जा पाएंगे। है आगे खाली नहीं मिला, आगे भी तो तीन है डब्बा। कहाँ? हम लोग थोड़ा उधर आगे जाते थे, भरे थे तभी तो पीछे रुक गए। देख सकते हैं कमीने इंसान। तो अभी हम लोग कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। 3.5 घंटा की जर्नी थी, हालत खराब हो गई थी, खड़े खड़े एकदम। ये कुछ इस तरह से नज़ारा कानपुर स्टेशन का है। तो अभी हम लोग बाहर जाएंगे, तो बाहर जाने के बाद यहाँ पर हम लोग अपने दोस्त को फ़ोन करेंगे। तो वो यहीं पर जेई है, तो उसको फ़ोन करेंगे तो उसके रूम पर जाएंगे। हम लोग का कानपुर रेलवे स्टेशन, ये कानपुर सेंट्रल है यहाँ पर, और उधर से मेन गेट प्रवेश है। फ़ोन करो, फ़ोन करो। ये देखिए कुछ इस तरह से नज़ारा, ये है मेन गेट का। तो ये भाई का चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बहुत बहुत मतलब मस्त आदमी है, मिले थे हम लोग। तो ये हम लोग साथ में आए थे, हम लोग भाई लोग साथ में आए थे। तो पेपर है इन सब का भी, कल ही पेपर है ना? सुबह है कि शाम में? कल सुबह है ना? सुबह ही है ना? हाँ, तो सुबह है पेपर। तो अभी हम लोग यहाँ से सब लोग अपने अपने स्थान पर जाएंगे, जहाँ रुकना है वहाँ पर जाएंगे हम लोग। तो अभी फिलहाल तो हम लोग यहीं पर हैं। जी जी, अच्छा लगा मिलकर आप लोगों से। अभी फ़ोन के जरिए पता चला है कि हम लोग का दोस्त यहाँ पर रहता है लोको हॉस्टल में, तो अभी वो ड्यूटी पर है। तो अभी यहाँ से जब वो खाली होगा तो शाम को 5 बजे हम लोग से मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे लोको हॉस्टल यहाँ से। तो अभी देखते हैं, अभी भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं हम लोग। हम लोग यहाँ पर कुछ फल खाएँगे, बस मात्र 50 रुपये लेंगे, आपको छोड़ देंगे। अच्छा चलिए, हम लोग का भोजन पपीता हम लोग खा रहे हैं, पपाया। तो ये ऐसी जड़ी बूटी है कि आपको अगर डेंगू होता है तो आप इसका सेवन ज़्यादा करें। अगर आप इसका सेवन ज़्यादा करते हैं तो आपका प्लेटलेट्स नहीं घटेगा। तो मस्त सा भोजन हो गया है हम लोग का। भोजन क्या, फल खाएं वही पपीता। तो थोड़ी भूख मिटी, अब तो चलते हैं हॉस्टल पर, देखते हैं कानपुर सेंट्रल का नज़ारा। और बैठे हमारे भाई साहब, इनको हम पैदल ले जा रहे हैं यहाँ से, और आगे हम लोग जाएंगे। क्योंकि जब किसी अनजान जगह पर रहो तो वहाँ पर आने के बाद सब रिक्शे के किराए इतना ज़्यादा लेते हैं कि समझ में नहीं आता क्या करें। तो यहाँ से थोड़ा पैदल जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कितना मिलेगा। हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं हॉस्टल में, अभी फ़ोन करते हैं उसको। तो ये बगल में हॉस्टल है, तो फ़ोन लगाओ, फ़ोन लगाओ भाई, फ़ोन लगाओ। फ़ोन नहीं उठा रहा था तो अब उठाया है, फ़ोन नहीं उठा रहा तो हालत ख़राब हो रही थी कि भाई अब रुकेंगे कहाँ, समय से पहले आ गए हम लोग। तो फाइनली उठा लिया है, आ रहा है बाहर। तो अभी हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं।
तो ये है छात्रावास और ये भाई साहब, हम लोग ऊपर जाते हुए। कब ड्यूटी है? अच्छा, तो ये है हॉस्टल। हॉस्टल का नज़ारा कुछ इस तरह से है।